देखो चैप्टर नंबर 10 लॉगरिथम ऑफ ए कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे दो टाइप से क्वेश्चन अराइज करेगा। एक तो आपसे पूछेगा प्रिंसिपल वैल्यू और दूसरा आपसे पूछेगा जनरल वैल्यू। ठीक है, जब प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी होगी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के अकॉर्डिंग, तो क्योंकि आप क्या निकाल रहे हैं, लॉगरिथम फंक्शन फाइंड आउट कर रहे हैं किसका, जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया उसका। ठीक है, ठीक है जी। तो जब लॉगरिथम फंक्शन निकालेंगे तो इसके अंदर स्मॉल लेटर स्टार्ट होगा इसका, लॉगरिथम फंक्शन का। तो जैसे ये है, तो ये लॉग ऑफ जेड को, स्मॉल लॉग ऑफ जेड है ना, ये स्मॉल लेटर है सबसे पहले, स्मॉल लेटर जो है, तो ये इंडिकेट करता है किसको, प्रिंसिपल वैल्यू को। फिर कहता है इसकी जनरल वैल्यू क्या आएगी, इसमें हम कैपिटल लेटर यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, कैपिटल लेटर। ठीक है, तो इन चीजों पे ध्यान रखना, जब आपसे जनरल वैल्यू पूछेगा तो आप वो प्रिंसिपल वैल्यू की हेल्प से निकालेंगे। तो यहाँ आप नोट करें इसके अंदर एक रिजल्ट, कि जब आप जनरल वैल्यू निकालेंगे यानी कि कैपिटल लॉगरिथम ऑफ जेड निकालेंगे, तो प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर आपने ऐड करना है 2n π i को। ठीक है, n किसको डिनोट करता है, सेट ऑफ इंटीजर। ठीक है, तो ये है केस। तो ये जो दो चीजें आपके दिमाग में रहनी चाहिए, फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल वैल्यू, सेकंड वन इज जनरल वैल्यू। जनरल वैल्यू इज फाउंड बाय इट्स प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक, कैसे फाइंड आउट करते हैं, उस प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर हम क्या करेंगे, 2n π i ऐड कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगी, उसकी जनरल वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है जी, अब बाकी रिजल्ट आपके पास पता ही है आपको, क्या और रिजल्ट आपको ये पढ़ी रखे हैं, जो प्रॉपर्टी है लॉगरिथम फंक्शन की सेम वही है, लेकिन ये लॉगरिथम फंक्शन वो है जिसका बेस ई है। ठीक है, तो इसमें कहता है कि लॉगरिथम ऑफ ए रेज टू पावर बी, ए और बी रियल नंबर है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, बी इंटू लॉगरिथम ऑफ ए। तो यहाँ पे बेस क्या है, ई है, ध्यान रहेगा बेस ई है, मींस इसको बोलेंगे हम क्या, नेचुरल लॉगरिथम। ठीक है, ये चीज आपके दिमाग में रहनी चाहिए सबसे पहले। ठीक है, बाकी और प्रॉपर्टीज आपको पता ही है कि लॉगरिथम ऑफ एम बाय एन इज इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ एम माइनस लॉगरिथम ऑफ एन, फिर आपका लॉगरिथम ऑफ एम इंटू एन इज इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ एम प्लस लॉगरिथम ऑफ एन, वेर एम एन आर रियल नंबर्स। ये क्या है, रियल नंबर आपके। ठीक है, एम और एन किसको डिनोट कर रहे हैं, रियल नंबर को डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे, जो पीछे हमने डिस्कस किए थे सेम वही। ठीक, तो अब इसके अंदर आपने इनकी हेल्प से आगे वाला रिजल्ट अप्लाई करना है। देखो चलें, यहां से स्टार्ट होता है मेन टॉपिक, ध्यान से सुनना इसको। देखो आपसे क्या क्वेश्चन अराइज कर रहा है उसमें, आपसे उसने ये पूछा सबसे पहले, एक तो
की फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस फंक्शन। ठीक, अल्फा प्लस आइटा बीटा, इसका आपने क्या करना है, रियल और इमेजिनरी पार्ट निकालना है। तो इसके लिए देखो कैसे करेंगे, अंदर जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको हम पोलर फॉर्म में चेंज करेंगे। हमेशा ध्यान रहे, जब लॉगरिथम फंक्शन है, देखो लॉगरिथम के अंदर क्या है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर है नहीं, तो सबसे पहला आपने काम क्या करना है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में चेंज कर लेना है। जो आपने प्लस वन में जैसे स्टार्ट किया, वहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स प्लस आइटा वाई होता था, तो हम क्या करते थे, एक्स प्लस आइटा वाई को पुट कर देते थे आर कोस थीटा प्लस आइटा आर साइन थीटा की कोल में, वही केस है। देखो इससे इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन स्टार्टिंग वाला ही, इससे मिलता जुलता है कि ये और क्वेश्चन आपसे बन सकता है, यहाँ पे लॉग ऑफ अल्फा माइनस आइटा बीटा, तो आप इसको प्रूव करें, इसमें क्या रिप्लेस करेंगे, आइटा की जगह माइनस आइटा चेंज कर देना, तो आपके पास केस ये दूसरा बन जाएगा। ठीक है, देखो सबसे पहले हमने क्या करना है, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है अल्फा प्लस आइटा बीटा, इसको हमने आर कोस थीटा प्लस आइटा आर साइन थीटा के इक्वल अज्यूम किया, फिर आपने इक्वेट की इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करो, इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करेंगे तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर कोस थीटा, और बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर साइन थीटा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे आर और थीटा निकाल लेंगे सबसे पहले, स्केयरिंग एंड एडिंग, स्केयर और ऐड करो, स्केयर और ऐड करेंगे तो आपको आर स्केयर की वैल्यू मिलेगी क्या, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो इसका मीनिंग यहाँ से आर की वैल्यू आपको पता है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर रूट आएगा, मींस 1/2 आएगी। फिर मैं इनको डिवाइड करूंगा, इस इक्वेशन को इससे डिवाइड करूंगा, 2 को 3 से डिवाइड किया, डिवाइडिंग 2/3, जब मैं 2 को 3 से डिवाइड करूंगा तो आपको tan थीटा की वैल्यू मिल जाएगी बीटा बाय अल्फा, मींस थीटा की वैल्यू आ जाएगी यहां से tan इनवर्स बीटा बाय अल्फा। ये वैल्यूज आप लास्ट में यूज करेंगे। अब वहां पे आ जाओ कि जो आपने फाइंड आउट करना था, फंक्शन था लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अल्फा प्लस आइटा बीटा, अल्फा की वैल्यू डाल दी आर कोस थीटा, बीटा की वैल्यू डाल दी आर साइन थीटा। ठीक, इसके अंदर पुट कर दो इनको और सिंपलीफाई करेंगे, सिंपल रिजल्ट बनेंगे, वो रिजल्ट आपने ध्यान भी रखना है। तो आर कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। ठीक, इसको हम क्या लिख सकते हैं, जो ये अंदर है इसको लिख सकते हैं e raised to power iota theta, means इसको लिखेंगे log of r plus log of e raised to power iota theta, by property of अभी बताई थी ये m ये n, अभी property बताई थी आपको log of m into n वाली, वो ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या आएगा बताओ, ये आया log of r plus iota theta, आगे आ जाएगा log of e बचेगा, क्योंकि इसमें जो ये प्रॉपर्टी यूज कर देंगे ना, आपको अभी बताई थी b log of a। ठीक, तो ये आया log of alpha plus iota theta, तो आप इसमें r की वैल्यू रख दो, r की वैल्यू है alpha square plus beta square raised to power 1/2, थीटा की वैल्यू रख दो tan इनवर्स बीटा बाय अल्फा। तो ये आपने क्या कर दिया, जो ये
लॉगरिथम फंक्शन था इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, इसको आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट कर दिया, ये उसका रियल पार्ट बन गया और ये उसका क्या बन गया, इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, ऐसे तो बताओ रियल और इमेजिनरी पार्ट क्या आया, जो अभी आपके पास एक रिजल्ट भी बन जाएगा, ये इसको आपने याद भी रखना है। देखो मैंने आपको ये बताया है अभी कि लॉगरिथम ऑफ अल्फा प्लस आयटा बीटा इक्वल आया है लॉगरिथम ऑफ अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर रेज टू पावर 1/2 प्लस आयटा टेन इनवर्स बीटा बाय अल्फा, ये याद है, ये बना हुआ। अब कहता है कि भाई 1/2 को आगे लिख सकते हैं, इसको इस टाइप से भी एडजस्ट कर सकते हैं कि अल्फा स्क्वायर। देखो आपके पास ये रिजल्ट है, इस रिजल्ट को आपने याद भी रखना है, अब आगे यूज करेंगे इसको हम। ठीक है, इस रिजल्ट को हम यूज करेंगे आगे। ये एक रिजल्ट बन गया आपके लिए कि उसने आपसे ये कहा है कि जो ये लॉग ऑफ अल्फा प्लस आइटा बीटा था, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर था, सबसे पहला आर्टिकल यही है, मैं बता दूं आपको कि आपके पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो था इसका आपने क्या निकाला है, इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट में इक्वेट किया है। ठीक है, तो ये एक रिजल्ट बन गया आपके लिए, आगे के लिए भी यूज होगा। अगर बीच में साइन, मतलब यहाँ पे अगर मैं चेंज करूं इसमें, अगर मैं इसमें चेंज करूं एक नया रिजल्ट और बना दूं, एक तो ये इक्वेशन बन गई, एक रिजल्ट तो ये बन गया। अगर मैं अल्फा सॉरी आयटा की जगह अगर मैं माइनस आयटा रिप्लेस करता हूं तो क्या चेंज आएगा, देखो आप बताओ मेरे को कि अगर मैं रिप्लेस कर दूं इसी में, वो प्रूव करने की जरूरत नहीं है, आपने इसी को ही प्रूव करना, बस आयटा जहां पर नजर आए उसको माइनस आयटा से रिप्लेस कर दो आप। जब इसको आइटा को माइनस आइटा से रिप्लेस करेंगे तो लेफ्ट साइड में आपको मिलेगा लॉग ऑफ अल्फा माइनस आइटा बीटा इज इक्वल टू 1/2 लॉगरिथम ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस आइटा टेन इनवर्स बीटा बाय अल्फा, ये आपका सेकंड रिजल्ट बन गया। ठीक है, ठीक है क्या? तो ये दो रिजल्ट आपके पास आ गए, इंपॉर्टेंट है दोनों के दोनों, और एज ए रिजल्ट इनको आपने याद भी रखना है कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का लॉगरिथम फंक्शन निकालते हैं तो इसका रिजल्ट ये बन के आता है आपके पास। अब कहता है कि इसको मैं किससे डिनोट करूंगा, इसको बोलूंगा मैं कि ये प्रिंसिपल वैल्यू है आपकी, क्या ये प्रिंसिपल वैल्यू, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि स्मॉल लॉगरिथम यानी कि स्मॉल लेटर अगर यूज करता है तो प्रिंसिपल वैल्यू रहेगी, अगर मैं कैपिटल यूज करता हूं तो क्या रहेगी, वो जनरल वैल्यू रहेगी, ऐसे। ठीक है, तो ये दो रिजल्ट आपके पास आ गए। ठीक है, अब देखो आपका कंप्लीट तो यही हो गया क्वेश्चन। अगर आपसे यूं पूछे कि ये फाइंड आउट करो या ये प्रूव करके दिखाओ कि इसको इसके इक्वल प्रूव करके दिखाओ, तब भी वही बन गया। अगर आपसे यूं पूछे कि प्रूव करो कि ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आएगी, तब भी आपका यही केस फर्स्ट वाले से ही प्रूव हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे हम इसमें, अब आपके पास एक नया केस और है, जो एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन आपसे दे रखा है, वो पता है क्या पूछता है, क्वेश्चन फर्स्ट है जिसमें आपसे ये पूछता है कि प्रूव करो कि लॉगरिथम ऑफ अल्फा प्लस आइटा बीटा डिवाइड बाय अल्फा माइनस आइटा बीटा विच इज इक्वल टू 2 आइटा टेन इनवर्स बीटा बाय अल्फा। तो यानी कि आपने ये लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करके दिखाना है, तो कैसे करोगे आप बताओ,
लेफ्ट हैंड साइड उठा के चलूंगा, लॉग ऑफ एम बाय एन का ऑपरेट करूंगा जो प्रॉपर्टी थी लॉगरिथम की, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड विच इज लॉगरिथम ऑफ अल्फा प्लस आइटा बीटा डिवाइड बाय अल्फा माइनस आइटा बीटा। इसको हमने बाय प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम फंक्शन इसको ऐसे लिख दिया। अब आपके पास ये इक्वेशन वन से आपके पास है, ये इक्वेशन टू से आपके पास है, वन में से टू को माइनस करना है आपने। पीछे देखो इक्वेशन वन क्या है, टू क्या है, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा रियल पार्ट, केवल इमेजिनरी पार्ट ऐड हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा वो, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, ये टोटल ये बनेगा टू आयटा टेन इनवर्स बीटा बाय अल्फा, और यही हमने प्रूव करना था जो इसकी राइट हैंड साइड थी, ये बनेगा केस, ठीक है। अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन और आपसे राइज करे कि आपसे यूं पूछे कि फाइंड जनरल वैल्यू ऑफ, की जनरल वैल्यू निकालो आप, किसकी जनरल वैल्यू निकालो, इसकी, तो इसका मीनिंग पता है क्या है कि जब आपसे जनरल वैल्यू पूछता है इसकी, तो इसका मतलब है कि आपने ये फाइंड आउट करना है कि स्मॉल लॉगरिथम की बजाय कैपिटल लॉगरिथम, यानी कि इसको जनरल वैल्यू से डिनोट करते हैं। और ये कैसे आता है, प्रिंसिपल वैल्यू निकाल के उसमें टू एन पाई आइटा और जोड़ दो, ठीक है, ऐसे। अभी देखो आपने ये फर्स्ट रिजल्ट में निकाला है ना, देखो कभी ये सोचो कि सर यहाँ तो समोल लॉगरिथम लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन उससे पहले उसने बोल भी तो रखा है कि जनरल वैल्यू निकालनी है, तो इसकी जनरल वैल्यू निकालने का मीनिंग ये फाइंड आउट करना है, ध्यान रहेगा। तो ये क्या बनाया, देखो टू एन पाई आइटा, आपने ये फर्स्ट वाले में अभी इक्वेशन वन में प्रूव करके दिखाया है, तो क्या लिखूं इसको, बोलो वन बाय टू लॉगरिथम, इसके रिजल्ट को भी याद कर लो धीरे धीरे साथ साथ, कि लॉग ऑफ अल्फा प्लस आइटा बिट्टा इक्वल आएगा वन बाय टू लॉग ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बिट्टा स्क्वायर प्लस आइटा टेन इनवर्स बिट्टा बाय अल्फा, ठीक है। ये और ये कंबाइन कर दो, इसको सेपरेट कर दो, यानी कि ये बन जाएगा वन बाय टू लॉगरिथम ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बिट्टा स्क्वायर प्लस आइटा, कॉमन ले लिया फर्स्ट और लास्ट में, टू एन पाई प्लस टेन इनवर्स बिट्टा बाय अल्फा। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आपको जो सबसे पहले बताया उसी को माइंड में सेट कर लेना है और वो ही यूज होगा, उसी टाइप से ही रिजल्ट बनेंगे आपके पास, हो गया ना। जनरल वैल्यू निकाल दी, अगर यहाँ पे आपसे यूं पूछता, यहाँ पे चेंज कर देता, मान लिया प्लस की जगह यहाँ पे माइनस होता, तो माइनस वाला यूज कर लेते हम, कोई दिक्कत नहीं है, फिर उसमें वो रिप्लेस हो जाता। यहाँ पे अगर माइनस होता तो यहाँ पे नेगेटिव साइन होगा, तो हम नेगेटिव यहाँ पे चेंज कर देंगे ना इसमें, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, फिर ये माइनस बन जाएगा, वो प्रूव हो जाएगा केस नंबर सेकंड, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसे आपसे और इसी को मैं अगर मॉडिफाई करूं, तो देखो आप ध्यान से सुनना, आपसे एडिंग डालता है, पूछता है कि फाइंड द जनरल वैल्यू, आपने क्या निकालनी है, जनरल वैल्यू निकालनी है, किसकी जनरल वैल्यू निकालनी है, मान लिया इसकी जनरल वैल्यू निकालनी है ये, तो कैसे निकालोगे आप बताओ। इसका निकालने का मीनिंग है आपका कि आपने ये फाइंड आउट करना है, स्मॉल लॉगरिथम नहीं कैपिटल, और ये कैसे निकलेगा, टू एन पाई आइटा प्लस स्मॉल लॉगरिथम ऑफ माइनस फोर। अब इसको कहां से निकालेंगे, इसको ऐसे कर दो, या तो आपके पास एक ही रिजल्ट है जिसको आप याद रखेंगे बार बार, वो रिजल्ट ये है कि ये इक्वल होता है, इसको यूज कर दो कि ये होता है इसके इक्वल, अभी जो प्रूव किया प्लस आइटा टेन इनवर्स बिट्टा बाय अल्फा होता है। अब बताओ जब आप इसको इससे कंपेयर करोगे तो आपको अल्फा और बिट्टा कितने मिलेंगे बताओ, अल्फा की वैल्यू तो जीरो हो जाएगी और बिट्टा की वैल्यू कितनी मिलेगी, सॉरी अल्फा जीरो नहीं होगा, अल्फा तो माइनस फोर होगा, अल्फा की वैल्यू तो क्या आएगी, माइनस फोर आएगी, और बिट्टा की वैल्यू कितनी आएगी, जीरो आएगी, क्योंकि ये जो लॉगरिथम फंक्शन है ये कॉम्प्लेक्स नंबर का है, ये भी लॉगरिथम फंक्शन है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर कंप्लीट तो नहीं बना रखा, लेकिन इसमें माइनस फोर है, मींस रियल पार्ट है ओनली, इमेजिनरी पार्ट नहीं है। तो आप क्या करो, जो लॉगरिथम निकाल रहे हैं उसके अंदर जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको अल्फा प्लस आइटा बिट्टा से कंपेयर करके अल्फा बिट्टा निकाल दो और वो अल्फा बिट्टा इसमें पुट कर दो। तो लिखें इसको टू एन पाई आइटा प्लस, ये रिजल्ट लगा रहा हूँ, वन बाय टू लॉगरिथम ऑफ अल्फा यानी कि माइनस फोर का स्क्वायर बिट्टा यानी कि जीरो का प्लस आइटा टेन इनवर्स बिट्टा यानी कि जीरो
अल्फा यानी कि माइनस फोर, तो ये क्या बनेगा टू टेन पाई आई सॉरी टू एन पाई आईटा प्लस वन बाई टू लॉगरिथम ऑफ माइनस फोर का स्क्वायर 16, उसको वापस फोर स्क्वायर लिख दिया प्लस आईटा टेन इनवर्स जीरो आ गई, तो ये क्या बनेगा टू एन पाई आईटा, ये टू आगे आ जाएगा टू, तो ये क्या बचेगा लॉग ऑफ फोर आईटा टेन इनवर्स जीरो क्या होता है जीरो होता है ठीक, तो ये क्या बनेगा टू एन पाई आईटा प्लस लॉगरिथम ऑफ फोर, तो ये क्या आ गई उसकी जनरल वैल्यू आ गई, क्या आ गई उसकी ये जनरल वैल्यू आ गई। इस टाइप के रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो आप कर सकते हैं ये, लेकिन ध्यान रखना कि उसने आपसे जनरल वैल्यू पूछी है या प्रिंसिपल वैल्यू पूछी है वो थोड़ा ध्यान रखना आपने, और ये कोई जरूरी नहीं कि हर केस में आप यहाँ पे टू एन पाई आईटा ऐड करेंगे, मीनिंग बात सिंपल सी एक ये है कि जो ये एन है ये इंटीजर को डिनोट करता है, हो सकता है एन की जगह हम एम लिखें क्योंकि कई बार एन यूज होता है तो उसको चेंज करना पड़ेगा इस टाइप से, ठीक है ये ध्यान में रखना आपने। चलो नेक्स्ट, एक इसमें क्वेश्चन नंबर थर्ड है जिसमें आपसे प्रूव करने के लिए कहता है कि लेफ्ट साइड को राइट साइड के इक्वल प्रूव करके दिखाओ, लेफ्ट साइड को राइट साइड के इक्वल प्रूव करके दिखाओ। देखो राइट साइड है माइनस वन, तो इसकी हमने लेफ्ट हैंड साइड उठाई, लेफ्ट हैंड साइड उठाई साइन ऑफ लॉगरिथम ऑफ आईटा रेज टू पावर आईटा, तो इसको हमने क्या किया इस पे प्रॉपर्टी लगा दी आईटा आगे आ जाएगा पावर वाला, ऐसे बढ़ गया साइन ऑफ आईटा। अब मैं आपसे पूछूं कि जो ये आयटा है आयटा को किसके इक्वल लिखते हैं, ये आपको ध्यान हो मैंने पीछे बताया हुआ है आयटा को लिखते हैं किसके इक्वल, कोस पाई बाय टू प्लस आयटा साइन पाई बाय टू, याद आया पीछे बताया था मैंने आपको। अब इसको मैं एलर फॉर्म में ये लिख सकता हूँ ई रेज टू पावर आयटा पाई बाय टू इसको, क्योंकि कोस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा इक्वल होता है किसके e raised to power iota theta के, एलर फॉर्मूला बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं एलर फॉर्मूला। तो मैंने क्या लिख दिया इस iota की जगह लिख दिया e raised to power iota pi by 2। पता है एक चीज हमेशा ध्यान रखो लॉगरिथम फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन के अंदर अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हमेशा हमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन में बदलना पड़ेगा, हमेशा ये इस टाइप से बदला जाएगा जो पीछे हमने किया था अभी आपको ध्यान हो, क्योंकि x की वैल्यू r cos थीटा थी y की वैल्यू r sin थीटा थी r को बना के इस टाइप से बना था ये, इसके लिए बोल रहा हूं मैं। तो हमेशा ध्यान रखेंगे जब भी लॉगरिथम फंक्शन कॉम्प्लेक्स नंबर पे ऑपरेट होगा तो अंदर वाला कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में चेंज करना ही पड़ेगा तभी जाके वो सिंप्लीफाई हो पाएगा। लिखें अब इसको देखो साइन ऑफ आयटा, ये आयटा पाई बाय टू आगे आ जाएगा पावर वाला, क्या बचेगा log ऑफ e बचेगा और log ऑफ e की वैल्यू क्या हो जाएगी वन हो जाएगी, आपको ये पता है कि बेस यानी कि ये वैल्यू हमेशा वन होती है, बेस और ये दोनों सेम हो तो वैल्यू वन होती है, तो यहाँ जैसे log ऑफ e है इसको वन क्यों लिख रहे हैं क्योंकि इसका भी बेस e है, ये दोनों अगर सेम है तो वैल्यू वन आएगी बेस चेंजिंग फॉर्मूले के हेल्प से। तो मैं इसको क्या लिखूं अब साइन ऑफ माइनस पाई बाय टू क्योंकि आईटा स्क्वायर हो गया और साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी वन आ जाएगी, तो ये इक्वल आ गया माइनस वन के, ये इक्वल आ गई किसके राइट हैंड साइड के, ठीक है थोड़ा आपने भी ट्राई करने हैं कुछ आपसे भी हो जाएंगे कोई लेंथी नहीं है, लेकिन एक हमेशा ध्यान रखना है सबसे पहला जो रिजल्ट बताया गया उसको ध्यान रखेंगे कि लॉगरिथम ऑफ अल्फा प्लस आईटा बीटा इज इक्वल टू आएगा वन बाई टू लॉग ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस आईटा टेन इनवर्स बीटा बाय अल्फा के, इस रिजल्ट को दिमाग में सेट कर लो, पॉजिटिव वाला है तो नेगेटिव वाला भी इसी के हेल्प से ही बन जाएगा, सीधी सी बात है ठीक है ये कहना चाह रहे हैं। अब सुनो
और इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। जैसे मैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट की अगर बात करूं, वो प्रूव करने के लिए कहता है कि जनरल वैल्यू हालांकि है, देखो कैपिटल लोग कैपिटल लेटर यूज किया गया इसलिए ये आपके पास है जनरल वैल्यू आयटा इंटू टू एन माइनस वन बाय टू इंटू पाई, ये ऐसे ठीक है। तो इसकी लेफ्ट साइड उठाएंगे राइट के इक्वल प्रूव कर देंगे, लेकिन क्योंकि ये क्या है प्रिंसिपल वैल्यू निकाल के उसमें टू एन पाई आयटा करने से मिलेगा क्या जनरल वैल्यू, ठीक है। ये इसलिए देखा एन क्यों लिखा है, एन इसके लिए लिखा है क्योंकि उसमें आंसर में एन दे रखा है, एन लिखे टू एन पाई आयटा प्लस लॉगरिथम ऑफ, देखो इसको एक्सपोनेंशियल में चेंज करना है तो आपने ध्यान दिया हो माइनस आयटा वो लिख सकते हैं कोस ऑफ माइनस पाई बाय टू प्लस आयटा साइन ऑफ माइनस पाई बाय टू लिख सकते हैं ना, ऐसे मीन्स इसको लिख सकते हैं ई रेज टू पावर माइनस आयटा पाई बाय टू, तो इसको लिखूंगा मैं ई रेज टू पावर माइनस आयटा पाई बाय टू, तो ये क्या बनेगा टू एन पाई आयटा माइनस आयटा पाई बाय टू आगे आ जाएगा, क्या बचेगा लॉग ऑफ ई और लॉग ऑफ ई की वैल्यू क्या आएगी वन, तो ये क्या बनेगा टू एन पाई आयटा माइनस आयटा पाई बाय टू, कॉमन लो क्या आएगा कॉमन पाई भी आएगा और आयटा भी आएगा, आयटा मैंने आगे लिख लिया पाई बाद में लिख दिया, तो क्या बचे अंदर टू एन माइनस वन बाय टू, और यही आपकी क्या है राइट हैंड साइड है जो आपने प्रूव करने की है ऐसे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, फोर्थ आप कर लोगे फोर्थ हो जाएगा आपसे, फिफ्थ में भी थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, फिफ्थ का इसमें एक पार्ट है फर्स्ट जो आपने प्रूव करना है लेफ्ट साइड को राइट साइड के इक्वल कोस ऑफ आयटा इंटू लॉगरिथम ऑफ ए प्लस आयटा बी डिवाइड में ए माइनस आयटा बी विच इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर बाय ए स्केयर प्लस बी स्केयर के इक्वल प्रूव करो। आपको ध्यान हो अभी मैंने एक रिजल्ट प्रूव करके दिखाया था किया था, तो इसको लेफ्ट साइड को उठाया आपने, लेफ्ट साइड है आपकी कोस ऑफ आयटा इंटू लॉगरिथम ऑफ ए प्लस एक सेकंड कि लेफ्ट हैंड साइड आप उठा के चल रहे हैं ए प्लस आयटा बी बाय ए माइनस आयटा बी, तो हमेशा मैंने बताया है कि हमेशा क्या करते हैं जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा आप हमेशा दिमाग में फिट कर लो उसको हम ऐसे लिखेंगे, अगर ए माइनस आयटा बी है तो उसको हम ऐसे लिखेंगे, ये वही है जैसे आप ए प्लस आयटा बी को आर कोस थीटा प्लस आयटा आर साइन थीटा लिखते थे वही है, उसी से ये चेंज करके बना रखा है आर कॉमन लेके अंदर कोस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा आ गया और इसको हमने क्या लिख दिया ई रेज टू पावर आयटा थीटा, तो वही तो बता दिया मैंने कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर था उसको हमने एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में ये लिखा है वो उसका कंजुगेट है तो आयटा की जगह माइनस आयटा रिप्लेस हो जाएगा, तो इसके अंदर ये पुट कर रहा हूँ देखो कोस ऑफ आयटा लॉगरिथम ऑफ ऊपर वाला आर इंटू ई रेज टू पावर आयटा थीटा और नीचे वाला आर इंटू ई रेज टू पावर माइनस आयटा थीटा, यही बनेगा ना, आर तो कैंसिल हो गया e raised to power ऊपर जाके add हो जाएगी तो वो क्या बन जाएगी e raised to power 2 iota theta, ठीक है e raised to power 2 iota theta। अब क्या करोगे इसमें 2 iota theta आगे आ जाएगा तो क्या बचेगा log of e उसकी वैल्यू 1, तो ये क्या बन गया cos of minus 2 theta means cos 2 theta, यहां तक ठीक है। अब ये थीटा की वैल्यू क्या है आप बताओ यहां से, जब आप निकालते हैं तो थीटा की वैल्यू क्या आती है या टेन थीटा बता दो, टेन थीटा की वैल्यू आएगी यहां से बी बाय ए आएगी ना, तो आप क्या करेंगे टेन थीटा की वैल्यू यूज करनी है तो कोस टू थीटा का टेन में कोई फॉर्मूला होता क्या, होता है
तो इसको क्या लिखेंगे, कोस टू थीटा को 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिखेंगे ना, ये आइडेंटिटी होती है कोस टू थीटा की। टेन थीटा की वैल्यू क्या यूज कर दी, बी बाय ए यहाँ पे यूज कर दो, और जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास वही केस आ जाएगा जो आपने प्रूव करना था, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपकी राइट हैंड साइड आ जाएगी इसमें, ठीक है। तो तब दो चीजें आपके दिमाग में रहनी चाहिए, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, चाहे वो अल्फा प्लस आइटा बीटा है, चाहे वो ए प्लस आइटा बी है, ठीक है, चाहे वो और है कोई भी, या एक्स प्लस आइटा वाई है, तो ये तीनों है एक ही, तो हम हमेशा क्या कर सकते हैं, उसको इस फॉर्म में लिखेंगे, आर इंटू ई रेज टू पावर आइटा थीटा की फॉर्म में, ठीक है। और ये इसलिए फायदा भी है क्योंकि मैं लॉगरिथम फंक्शन लूंगा, इसलिए हम इसकी हेल्प ले रहे हैं, अदरवाइज इसको चेंज करने की जरूरत भी ना पड़ती, ठीक है। तो आप देखते हैं कहां तक इसको ट्राई कर सकते हैं, तो कम से कम आपने ये 7 तक तो करना ही है, 7 तक हो जाए या 8 तक हो जाए आपसे, आप कर लेना इसके 8 तक करने आपने, ठीक है, आफ करने हैं ये कंप्लीट आज आपने, और ये बाद में जो क्लास में ऐड होते हैं, देखो भाई ऐसे तो अटेंडेंस नहीं हो पाएगी, यही काम नहीं रहता मेरे को,